हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बना रही हूँ मैं लौकी के मंचूरियन। और मंचूरियन बनाने के लिए हमने ये लौकी ली है, इसे अच्छे से धुल लिया है। अब इसे छील के बारीक कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए, लौकी मैंने कद्दूकस कर ली है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी धनिया पत्ती, और ये थोड़ी सी मैंने गाजर ली है। जो भी आपके पास सब्जी हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी प्याज डाल देंगे इसमें बारीक कट की हुई, और हरी मिर्च। अब कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, कुटा हुआ धनिया पाउडर डाल देती हूँ, और टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि अभी इसकी ग्रेवी बनाऊंगी उसमें भी नमक जाएगा। तो इसे हम अब इसमें हम ऐड करेंगे ये 3 चम्मच मैदा, बाइंडिंग के लिए, मंचूरियन में अच्छी सी बाइंडिंग आए और उसके सॉफ्ट हो जाए। इसके लिए हम 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर मिला देंगे, और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम थोड़ा सा मैदा और ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम हाथों से इसे मैश कर लेते हैं। तो लौकी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसकी हम छोटी छोटी सी बॉल बना लेते हैं फ्राई करने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीके से इसे बन जाती है। और अगर आपकी बॉल नहीं बन रही तो इसमें आप थोड़ी सी मैदा और ऐड कर सकते हैं। तो सारी बॉलों को मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ बना के, और उधर ऑयल भी रख देंगे गरम होने के लिए। बॉल तैयार कर लेंगे। बॉल मैंने सारी बना रही है लौकी की। तो आइए इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा अच्छा सा गरम, ऑयल गरम हो गया है। एक एक करके हम सारी मंचूरियन इसमें डाल देंगे और इन्हें सिकने देते हैं फ्रेंड्स अच्छे से। जब तक इसमें गोल्डन कलर आ जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो सारी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे उलट पलट कर लेते हैं इस तरह से फ्रेंड्स। अच्छे से हम चारों तरफ पलटते हुए, इन्हें घुमाते हुए गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। जो कि हमारी लौकी है अंदर से भी अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉल सारी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, और जो थोड़ी सी बची हैं उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो बॉल्स हमारी रेडी हैं फ्रेंड्स। अब इसका सॉस बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने वही कढ़ाई ली है, जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने निकाल दिया है। तो इसमें डाल देंगे ये लहसुन, जो मैंने 3 से 4 कलियाँ ली थी और इसे बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा मैं अदरक भी डाल देती हूँ, और दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे। अब इसमें जाएगी ये प्याज, जिसे मैंने बड़ा सा कट किया है, क्योंकि मंचूरियन की सॉस जो होता है उसमें ये ग्रेवी में लंबी प्याज ही अच्छी लगती है। तो हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे ये 2 हरी मिर्च, जो मैंने बीच से कट कर ली है। प्याज सॉफ्ट हो जाए फ्रेंड्स, तो अब इसमें मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च, जो भी आपके पास सब्जी हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी गाजर, और बस इन चीज़ों को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसी के साथ डाल देंगे हम ये थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा ही फ्रेंड्स डालें, क्योंकि मंचूरियन बॉल में भी नमक है, और जो हम सॉस डालेंगे तो उसमें भी नमक जाएगा। तो बस थोड़ा सा ही हम डालें, आप अपने हिसाब से डाल दें। और इन चीज़ों को हम भून लेंगे। सब्जियाँ हमें ज़्यादा नहीं पकानी, सब्जियाँ हमें थोड़ी सी क्रंची सी रखनी है। तो बस थोड़ी सी देर और पकने देते हैं, उसके बाद हम अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी ये हरी प्याज, और अब इसमें जाएगा ये सोया सॉस 1 चम्मच, और ये टमाटो सॉस 1 से 1.5 चम्मच। इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे इसी के साथ। हाफ कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसे इस तरह से मिक्स। तो सॉस में डालने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था, जिसमें मैंने 4 से 5 चम्मच पानी ऐड करके इसका घोल बना लिया है। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जाती हूँ और मिक्स करती जाती हूँ। जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे ये मंचूरियन बॉल्स, और मिक्स कर देते हैं इसी के साथ फ्रेंड्स। और थोड़ी देर हम इसे ग्रेवी के साथ पकने देते हैं। उसके बाद ये हमारा मंचूरियन, लौकी के मंचूरियन रेडी हो जाएंगे। तो थोड़ी देर हम इसे ढक के पका लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हैं। हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल के तैयार करते हैं।
ये लीजिए फ्रेंड्स, लौकी के मंचूरियन तैयार हैं। तो आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। ये थोड़ी सी मैं हरी प्याज से गार्निश कर देती हूँ, इसका टेस्ट इससे बहुत बढ़िया आता है। और बस एंजॉय कीजिए मेरी इस रेसिपी को। जो लौकी नहीं खाते होंगे वो मंचूरियन मांग मांग के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी मंचूरियन बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दुर्गा किचन को ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।